गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन सरोडिया, न्यू दृष्टि एकेडमी सिवनी। आज आपके सामने फिर हाजिर, हम लोग फिर आज करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समय बर्बाद न करते हुए सीधे को क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, असम सरकार ने कोविड-19 के कारण अंबुबाची मेला रद्द कर दिया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंबुबाची मेला रद्द कर दिया है। लेकिन अंबुबाची मेला तो असम में लगता है, लेकिन असम में कहां लगता है तो यह भी आपको पता होना चाहिए, गुवाहाटी में। और गुवाहाटी में एक मंदिर है, कामाख्या देवी जी का मंदिर है, वहां पर यह मेला लगता है। लेकिन दोस्तों अभी हमारे यहां पर आपको पता है कि भीड़ को एकजुट नहीं होने दे रहे हैं, तो हमारे यहां पर मतलब कि कोविड-19 के कारण से कोरोना वायरस चल रहा है, इस कारण से हमारे यहां पर कोई भी मेला, शिक्षण संस्थान आदि सारे बंद हुए हैं। लेकिन हमारे यहां पर क्या है कि इनको हमारे पर ही संक्रमण ज्यादा ना फैले, इसलिए मेले को भी क्या कर दिया गया, हमारे यहाँ पर अभी रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन ध्यान देना दोस्तों कि हमारे यहाँ पर तो ये रद्द कर दिया गया है, लेकिन असम सरकार ने, तो असम के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। तो असम की राजधानी क्या है हमारे यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिसपुर है। क्या है दोस्तों? दिसपुर है। क्लियर हुआ आपका इतना? लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर सर्वानंद सोनोवाल जी कौन है, यहाँ के सर्वानंद सोनोवाल जी यहाँ पर कौन है, हमारे सीएम जी है। लेकिन ये भी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर दोस्त जगदीश चंद्र जी का नाम सुना होगा आपने, तो जगदीश चंद्र जी हमारे यहाँ पर कौन है, यहाँ के गवर्नर है। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं बात करता हूँ असम सरकार में, तो असम में दोस्त एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, एक यहाँ पर माजुली द्वीप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, हमारे यहाँ पर द्वीप है। द्वीप तो आप जानते होंगे जो चारों तरफ जल से घिरा होता है, तो आपको पता है, और हमारे बीच में जो टापू बन जाता है उसको द्वीप कहते हैं। क्लियर हुआ? और जो चारों तरफ हमारे यहाँ पर स्थल से घिरी और बीच में जल भरा हो उसको झील कहते हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन ध्यान दे दोस्तों, मैं बात करता हूं असम में, तो असम में एक हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा पुल बना हुआ है, जिसका नाम है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर, कौन सा नाम तो सुना ही होगा, ढोला साधिया जी का, ढोला साधिया पुल है। और जो ढोला साधिया पुल है ये किसके नाम पर बना है, तो भूपेन हजारिका के नाम पर बना है। भूपेन हजारिका कौन थे, तो भूपेन हजारिका एक सिंगर थे, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा इनके नाम पर बनाया गया है। लेकिन ये लंबाई इसकी कितनी है, तो इसकी लंबाई हमारे यहाँ पर 9.15 किलोमीटर है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए, 9.15 किलोमीटर है। लेकिन ये भी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर कौन सी नदी पर बना है, तो ये बना है लोहित नदी पर। कौन सी नदी पर? लोहित नदी पर बना हुआ है। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, ये है हमारे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये क्लियर हुआ होगा आपको। लेकिन मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब आया है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दक्षिण कोरिया ने, किसने दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने होम क्वारंटाइन, जो होम क्वारंटाइन मतलब कि जैसे हमारे पास संदिग्ध में रहते हैं कि मान लीजिए किसी ने टच कर दिया, जो कोरोना वायरस था उनके जितने संपर्क में आए थे उनको उन्होंने क्या कर दिया है कि उनने संपर्क में रखे हैं, तो उनको बोला है कि आप एक दूसरे से रूल्स को पालन करेंगे। तो क्या बोला है यहाँ पर, दक्षिण कोरिया ने होम क्वारंटाइन पालन न करने वाले के हाथ में ई रिस्ट बैंड बांध दिया है। ई रिस्ट बैंड क्या होता है पहले ये सुनिएगा आप लोग, तो ई रिस्ट बैंड उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हमारे यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे लॉकडाउन चलते हुए, हमारे यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है और क्वारंटाइन में कुछ लोगों को रखा गया है, वो क्या है, रूल्स का, हमारे पर रूल्स का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो जो भी हो उनको नियम दिए गए उनका पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है कि उनको सरकार को पता लगाने के लिए क्या कर दिया गया है कि वो जैसे ही हमारे यहाँ पर वो रूल्स का उल्लंघन करेंगे तुरंत सरकार को पता चल जाएगा, तो इसलिए इनने क्या बनाया है, ई रिस्ट बैंड बांधे हमारे पर बनाया गया है। क्लियर हुआ दोस्तों? लेकिन मैं आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया, जो हमारे पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के हमारे यहाँ पर बीच में एक रेखा है, तो हमारे पर कौन सी पैरेलल है, तो 38 पैरेलल है। कौन सी है दोस्तों? 38 पैरेलल रेखा खींची है, आपको ये पता होगा। लेकिन मैं बात करता हूँ दक्षिण कोरिया, सैमसंग कंपनी आपने देखा होगा, जो सैमसंग कंपनी है वो दक्षिण कोरिया की ही कंपनी है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो नाम है वो सैमसंग नदी है, उसके नाम पर ये सैमसंग पड़ा है। इसकी स्थापना हमारे यहाँ पर 1938 में हुई थी, ये आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी सैमसंग कंपनी हमारे भारत में बनी हुई है। भारत में कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश में है। कहां है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। क्लियर हुआ? चलिए मैं आगे बात करता हूं हमारे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर ने नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा, नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, पुरस्कार क्या है? ये पुरस्कार हमारे यहां पर जो व्यक्ति सामाजिक रूप में,
हमारे वहाँ जो सामाजिक रूप में या अच्छे से कार्य करते हैं या फिर धार्मिक रूप में अच्छे से कार्य करते हैं या फिर हमारे यहाँ पर आर्थिक रूप में अच्छे से हमारे पर क्या हुआ है, उन्होंने काम किया होगा, तो उन्हें हमारे यहाँ पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नाना देशमुख ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? लेकिन मैं बात करता हूँ कि हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक आपने तो नाम सुना होगा क्या, चेनानी, चेनानी सुरंग का नाम तो सुना ही होगा, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद, है ना, श्यामा प्रसाद टनल कर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें हमारे यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई भी आपको पता होना चाहिए 9.2 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 9.2 किलोमीटर है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर ये कहाँ पर बनी है, इसमें कौन सा वे गुजरता है, तो NH44 गुजरता है। कौन सा गुजरता है दोस्तों? NH44 गुजरता है। क्लियर हुआ? चलिए, और आपने तो देखा होगा यहाँ पर K2 गाढ़वी राष्ट्रीय का नाम तो सुना ही होगा, ये जम्मू कश्मीर में आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ई कार्यालय ऐप, कौन सा कार्यालय दोस्तों? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय, ऐप CISF ने फाइलों के संचालन हेतु शुरू किया है, फाइलों के संचालन हेतु शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे यहाँ पर क्या होता है, कार्यालय में बहुत सारी फाइल होती हैं और उन फाइलों में क्या होता है कि हमारे एक व्यक्ति के पास गई, फिर दूसरे व्यक्ति के पास गई, तीसरे व्यक्ति के पास गई, मतलब मान लीजिए मुझे कोरोना है, तो अब क्या होगा कि मैंने वो फाइल टच कर दिया, तो मेरे हाथ से वो फाइल में क्या हुआ, जितने लोगों से टच करेंगे सबको कोरोना हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ दोस्तों कि उन्होंने क्या करा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमारे यहाँ पर ये फाइल का क्या कर दिया है इन्होंने, है ना, मतलब लॉन्च किया है। और इससे किनने किया है, तो CISF ने किया है। तो इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल, फिर होता है अपना क्या, है ना, तो इंडस्ट्रियल, फिर क्या होता है, सिक्योरिटी, और एफ का मतलब होता है फोर्स। क्लियर हुआ दोस्तों? तो हम लोग देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1969 में हुई है। कब हुई दोस्तों? 1969 में हुई है। लेकिन हमारे यहां पर आपको पता होना, डायरेक्टर जनरल कौन है, डीजे बोलते हैं जिसको हम लोग, तो इसके डायरेक्टर जनरल हमारे यहां पर राजेश रंजन जी हैं। कौन है दोस्तों? राजेश रंजन जी हैं। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, अब मैं बात करता हूं यहां पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, चीन ने अपना मंगल मिशन, ध्यान देना दोस्त, अभी हमने भी छोड़ा था, हमारे यहां पर चीन ने अपना मंगल मिशन का नाम क्या रखा है, तियानवे वन रखा है। क्लियर हुआ? ध्यान देना, चीन ने रखा है, मतलब चीन ने अभी मंगल मिशन बनाना चालू कर दिया है, इस बात का ध्यान दें। लेकिन हमारे यहाँ पर 93 वन रखा है, तो जिस प्रकार से हमारे भारत की जो कंपनी है, मतलब जो स्पेस एजेंसी है हमारे भारत की है, वो कौन सी है हमारे यहाँ पर, तो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी है दोस्तों? इसरो है। लेकिन यहाँ चाइना की कौन सी है, तो चाइना की भी आपको पता होना चाहिए, CNSA है। कौन सी है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। क्लियर हुआ दोस्तों? इसी प्रकार आपको अमेरिका की भी पता होना चाहिए, तो अमेरिका का कौन सा है, नासा है। कौन सा है दोस्तों? नासा है। जापान का भी पता होना चाहिए, तो जापान का कौन सा है, जाक्सा है। कौन सा है दोस्तों? जाक्सा। क्लियर हुआ? तो इंडियन की स्पेस, हमारे कौन सा है, इसरो है, चाइना की CNSA है, हमारे यहाँ पर अमेरिका की कौन सी है, NASA है, और हमारे यहाँ पर जापान की कौन सी है, JAXA है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, तो मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, हमारे यहाँ पर आते हैं हम लोग, भारत ने FDI पर, भारत ने FDI पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया है, अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया है, इसके बारे में ध्यान से सुनना दोस्तों। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, FDI मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट, फिर आता है हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर, है ना, इन्वेस्टर, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, तो मैं बात करता हूँ हमारे यहाँ पर FDI ये है क्या, इसमें हम लोग देखेंगे, मतलब कि भारत ने विदेश में, विदेशी जो कंपनी होती है वो भारत में आके पैसे को इन्वेस्ट करती है, और इन्वेस्ट करने के बाद वो यहाँ पर क्या होती है, अपना काम को करती है। लेकिन ध्यान देना दोस्त, अभी भारत ने सारी इन्वेस्टर कंपनियों को क्या कर दिया है, मना कर दिया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, चाइना ने भारत के ऊपर ये बोला है कि WHO की बिना परमिशन के भारत ने क्या कर दिया है कि हमारे यहाँ पर कंपनी को इन्होंने मतलब कि इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है, मतलब कि WHO का उल्लंघन हमने किया है। ऐसा कौन कह रहा है? चाइना कह रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने जब ऐसा नहीं, हमारे यहाँ बात ये नहीं है, लेकिन चाइना ने क्या किया है, चाइना ने HDFC के साथ, चाइना ने HDFC के साथ हमारे यहाँ पर क्या किया है, अभी वर्तमान में उसने निवेश किया है। कितना किया है?
1.01% क्या है इसमें निवेश किया है किसने, चाइना ने, HDFC के साथ किया है दोस्तों, इस बात का ध्यान देना। लेकिन आपको पता होना चाहिए यदि चाइना हमारे यहाँ पर यदि पैसा इन्वेस्ट करता है अभी वर्तमान में, तो हमारे यहाँ पर भारत के प्रति रुतबा बढ़ जाएगा, किसका, चाइना का, इसलिए वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसलिए हमें क्या नहीं करना है, अभी हमें किसी का भी पैसा को इन्वेस्ट नहीं करना है। क्लियर हुआ दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना कि हमारे यहाँ पर आपने एक बार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, खोंगजोंग दिवस कहां पर मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। खोंगजोंग दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों, लेकिन आपको पता होना चाहिए खोंगजोंग दिवस मनाया क्यों जाता है। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों कि मणिपुर में हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, एक बार बहुत भयानक मतलब ये युद्ध हुआ था, वो हमारे पर कौन था, आंग्ल युद्ध, कौन सा था, आंग्ल युद्ध मणिपुर हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। और जब बहुत सारे लोग शहीद हुए थे तो क्या हुआ कि यहाँ पर शहीद होने के कारण हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कौन सा दिवस मनाते हैं, हम लोग खोंगजोंग दिवस मनाते हैं। ये खोंगजोंग दिवस कब से मनाया जा रहा है, या मतलब हमारे पर कब से मनाया जा रहा है, तो 1891 से मनाया जा रहा है। लेकिन कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 23 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है, ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन आपको बता दूं मैं, मणिपुर का नाम आया है तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है दोस्तों, इम्फाल। यहाँ के सीएम है वीरेंद्र सिंह है। कौन है दोस्तों, वीरेंद्र सिंह है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर, यहाँ पर गवर्नर भी आपको पता होना चाहिए, नजमा हैबतुल्ला है। कौन है दोस्तों, नजमा हैबतुल्ला है। क्लियर हुआ दोस्तों, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और मैं बात करता हूं यहाँ पर टेलीमेडिसिन। क्लियर हुआ, सेवाओं की शुरुआत पंजाब सरकार ने शुरू की, पंजाब सरकार ने शुरू किया है कौन सा, टेली मेडिसिन। ये होता क्या है, जैसे एग्जांपल मानिएगा, जैसे मैं अब मैं मेरे अपने यहाँ पर मैं गांव में हूँ और मुझे शहर जाना है, तो क्या होगा कि मेरे पर काम और कोई है, लेकिन मैं बहाना किसका बताऊंगा जाने के लिए, मेडिकल का बहाना बताऊंगा कि मुझे मेडिसिन लेने जाना है, मुझे ये लेने जाना है, मुझे वो करना है। लेकिन दोस्तों एक हमारे यहाँ पर यहीं पर बचाव करने के लिए, यहीं पर लोगों को आवारापंती से घूमने से बचने के लिए हमारे पर क्या कर दिया है कि हमारे पर टेलीमेडिसिन सेवा चालू कर दिया है, ताकि आप कॉल करें और घर में दवाई को बुलवाएं, ताकि लोगों को यह ना लगे कि हम मेडिसिन के बहाने ही जा रहे हैं और मेडिसिन के बहाने घूम के आ जाएं। लेकिन दोस्तों यही होगा हमारे पास कि क्या होगा, टेलीमेडिसिन किसने शुरू किया है हमारे यहाँ पर, पंजाब सरकार ने किया है। तो पंजाब सरकार के बारे में आपको पता होना चाहिए, पंजाब हमारे यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। लेकिन अरविंदर जी का नाम सुना होगा तो यहाँ पर ये सीएम जी है, और आपने वीपी सिंह का नाम सुना, वीपी बदनौर जी का नाम सुना होगा, तो ये कौन है हमारे यहाँ पर, तो ये है गवर्नर, गवर्नर मतलब राज्यपाल। क्लियर हुआ दोस्तों, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। एम कोविड 19 में मोबाइल ऐप मिजोरम ने शुरू किया है, एम कोविड 19 मोबाइल ऐप। ध्यान देना ये क्यों चालू किया गया है और मिजोरम ने चालू किया है, क्यों किया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारे यहाँ पर क्या होता है, अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रक ड्राइवरों को, ट्रक वगैरह को लाने ले जाना होता है, तो उन्हें क्या होगा, एक ई, हमारे पर ई पास होगा, वो ई पास को जारी करेगा और उसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को पहुंचा सकेंगे। लेकिन यही हमारे मिजोरम सरकार ने किया है, तो मिजोरम सरकार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो मिजोरम सरकार के बारे में बता देता हूं, तो हमारे यहाँ पर इसकी जो राजधानी है वो है आइजोल। क्या है दोस्तों, आइजोल। और आपने सीएम जी का नाम सुना होगा, जोराम थंगमा है, थंगा है, क्या है, जोराम थंगा है। क्लियर हुआ आपका इतना, अब ध्यान देना। और श्रीधर पिल्लई जी कौन है, यहाँ के हमारे गवर्नर है। क्लियर हुआ दोस्तों, चलिए अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालत ध्यान दीजिएगा, शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, मतलब अभी तक कोई राज्य ने नहीं किया है, लेकिन अब हमारे यहां पर क्या होगा, उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, उत्तर प्रदेश। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमारे यहां पर कोई भी कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहां पर पहले अदालत जाना पड़ता था, लेकिन हमारे यहां पर कोई भी पेशी हो या केस हो तो केस में हम लोग को क्या करना होता है, पेश होना होता है, तो हम लोग पहले अदालत जाते थे, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अदालत को हम लोग यहां पर शामिल हो सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, चलिए। लेकिन ध्यान देना, मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको तो पता ही होगा, तो उत्तर प्रदेश में हमारे यहां पर लखनऊ राजधानी क्या है, लखनऊ है। क्या है दोस्तों, लखनऊ है। क्लियर है। और हमारे यहाँ पर यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ पर आनंदीबेन पटेल जी आपको पता है गवर्नर है। क्लियर हुआ, अब ध्यान दीजिएगा, मैं बात करता हूं। लेकिन यहाँ पर आया है
वर्चुअल अदालत, अदालत का मतलब होता है कोर्ट कचहरी वाला काम, तो यहाँ पर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम तो पता ही होना चाहिए दोस्तों, तो गोविंद माथुर है। कौन है हमारे पर? गोविंद माथुर। तो यहाँ के हमारे पर जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? गोविंद माथुर जी हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? आज मैंने आपके सामने ये 10 क्वेश्चन दिया, और 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता है। तो डेली आप लोगों को 10 क्वेश्चन है, और डेली तो आपको 10 क्वेश्चन देखने मुझे मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा। तो दोस्तों आप, मैं कहता हूँ आप डेली डेली इस क्वेश्चन को करें, और हमारे यहाँ पर एक हफ्ते में एक बार जरूर रिवीजन करें। इससे क्या होगा, हमारे पर बार बार रिफ्रेश होगा। जब हमारी आपके सामने कोई भी चीज बार बार आती है तो हमें याद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।